देहरादून का स्ट्रीट फूड बेहद फेमस माना जाता है। यहाँ कई दुकानें हैं जो अलग अलग तरह की चीज़ों को परोसती हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी दुकान के बारे में जो पिछले 50 सालों से लोगों के लिए कई तरह की मिठाइयाँ परोस रही है, और इनकी पापड़ी चाट, समोसे और टिक्की के दीवाने तो बहुत से लोग हैं जो दूर दूर से यहाँ पर इन चीज़ों का स्वाद लेने के लिए चले आते हैं। अगर आप भी खाने पीने का शौक़ रखते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं राजकुमार स्वीट शॉप के बारे में। देहरादून के टनल रोड पर स्थित राजकुमार स्वीट शॉप 50 साल से अपने जायके से लोगों को अपना दीवाना बना रही है। कहाँ से आए आप? मुंबई से। मुंबई से यहाँ किसने बताया आपको, मतलब जहाँ पे हमने स्टे किया वहाँ उन्होंने बताया। अच्छा, आगे क्या आगे जाके कोई एक मिठाई की दुकान है बहुत पुरानी, अच्छी चीज़ें मिलती है वहाँ पे, तो आके ढोकला खा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। मैं तो पहली बार ही आया। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, ग्राफिक एरा में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सुना कि बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मिलता है, और यहाँ का सच में टेस्ट भी काफ़ी अच्छा और हाइजीनिक है, मतलब बढ़िया स्वीट्स है। इतनी पुरानी है फिर भी इतना बढ़िया सर्विस है यहाँ का। मैंने तो यहाँ पे जलेबी, ढोकला और कचौड़ी, समोसे, इतनी सारी चीज़ें। हाँ जी, कमी है वो भी हमारे लिए कमी है। आइडिया मान के चले 1964 से शॉप है हमारी। ये हमारे पिताजी ने करी थी, राजकुमार गोयल जी। शुरू में चाय का काम शुरू किया था, चाय से अपना शुरू करते करते आस्ते 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 फिर स्नैक्स पे, फिर स्वीट्स पे, ऐसा किया। अभी समोसे हैं, छोले भटूरे हैं, डोसा है, इडली सांभर है, वड़ा सांभर है, चाउमीन है, चाट है, जलेबी है, इमरती है, और मलाई घेवर है। मिठाई में बहुत आइटम है ना, लेकिन हाँ, लेकिन हमारे पास कलाकंद जैसे हमारा है, आप कहीं भी ट्राई करेंगे ये चीज़ नहीं मिलेगी। आप और जगह मिलेगा कलाकंद, लेकिन हमारे अलग ही चीज़ होगी। मिल्क केक होगा, बहुत स्पेशल होता है। आइसक्रीम बर्फी होती है, काओ मिल्क बर्फी होती है, रसमलाई हमारी, रबड़ी हमारी बहुत बढ़िया होती है। वाइट चॉकलेट होती है, उसमें जैली होती है, देसी घी लगता है जब बनाई जाए। काजू में काजू कतली है, काजू कसाटा है, ड्राई फ्रूट लड्डू है। काजू कसाटा काजू से ही बनता है जी, अंदर इसमें ड्राई फ्रूट की फिलिंग होती है जी, शहद की फिलिंग होती है। मैडम हर जगह से आते हैं, हर जगह से आते हैं, इंडिया से तो आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग, बहुत 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 ऐसे हैं जी, लेकिन बाहर से बहुत हैं, है ना। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।